Welcome back to YouTube channel. I am Wasim sir, and today we will solve exercise number 1.1 in standard 8. Aage class mein log exercise 1.1 ko solve karenge. Before going to start karne se pehle humne pichli video mein jo properties padhi hai, we will use that property and solve this question. Now today we will solve this question, but we have to use that properties. What is the question? Find using appropriate property. यानी ये जो properties हमने पढ़ चुके हैं, वो properties को use करके हमको क्या करना है? इसको find करना है, इसका answer find करना है. अब ध्यान से देखो, ये question है. अब question के अंदर same result number कौन सा है? ये और ये वाला. ये दोनों same है. तो इसको हमको इस तरह से arrange करना है with the help of property. प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको अरेंज करना है. अब ये सेम है तो सबसे पहले 3/5 लिखेंगे, ये प्लस वाला है, मल्टीप्लाई बाय -2/3. ओके, नाउ प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस, इसको दे देंगे. तो अपने को क्या चाहिए? प्लस में चाहिए, दोनों प्लस होना चाहिए. नाउ -1/6 और लास्ट में ये जो बचा है प्लस वाला, तो +5/2 लास्ट बदल दे. क्लियर? इतना समझ में आया? ये मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई वाला, जो एक्स्ट्रा था ये जो, उसको लास्ट बदल दे. नाउ ये किसकी हेल्प से हमने किया? कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का नाम लिखना है हमको, बाय कॉम्यूटेटिव. ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने अरेंज किया. नाउ अब अरेंज करने के बाद में हमको क्या करना है? ये दोनों सेम, तो ये दोनों को कॉमन ले लेना है, इनटू ब्रैकेट के अंदर -2/3 इनटू -1/6 प्लस 5/2 को बाहर आना है एक्स्ट्रा. ओके, अब इधर ध्यान देना, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से लिया? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने किया है. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, ये ए है बराबर, ये बी है एंड ये सी. हमको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है. ओके, इतना ध्यान रहा दोनों का. अब दोनों को क्या करेंगे हम? सॉरी, ये माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस आएगा. ओके, अब हमको क्या करना है? ध्यान रहा, अब ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला. 3/5 मल्टीप्लाई बाय प्लस करना है -2/6 तो -12 प्लस माइनस माइनस 3/3/3/18. ओके, प्लस 5/2 सेम करना है. नाउ 3/5 इनटू माइनस माइनस प्लस, यानी -15/18 प्लस 5/2. अब यहाँ ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हमने आपको पता है बोर्ड मास हमने पढ़ा है, उसके हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद में प्लस करना है. मल्टीप्लाई काट सकते फाइव, 3 1 3 3 के टेबल में 3 6 18, 5 5 5 -3 माइनस 3 1 3 और 3 2 6, यानी हमारा आंसर क्या है? -1/2 + 5/2. अब ये दोनों को प्लस करना है, यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ. ओके, -1 1 -1 2 -2 + 2 5 10 अपॉन 2 2 4, यानी माइनस प्लस माइनस 10 2 8 4 4 4 2 8, यानी हमारा आंसर आया 2 इज अवर आंसर. अब यहाँ ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमको यहाँ पर साइन जो है प्लस या माइनस, उसके ऊपर ध्यान देना है. अगर जरा भी गलत हुआ यानी आंसर अपना रॉन्ग आया,
with the help of these properties we have solved this question, first question. Okay, second question, first आपको सॉल्व करना है, बराबर सेम क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यूज करके आपको सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है हमको. अब एडिटिव इनवर्स के अंदर व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? हियर फर्स्ट क्वेश्चन वी विल राइट 2 upon 8 जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था. अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे 2 upon 8 इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे. ध्यान देखेंगे, ये देखो ध्यान दो, ये प्लस वाला है, दिस इज पॉजिटिव, इसका उल्टा क्या होगा? नेगेटिव. तो उल्टा लिखेंगे 2 upon -2 upon 8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 upon 8. क्यों एडिटिव इनवर्स है? तो बिकॉज रीजन भी बताना है मेरे को. बिकॉज 2 upon 8 -2 upon 8 +2 upon 8 एंड -2 upon 8 कितना हो जाएगा? 0. तो हमारा आंसर अगर 0 आता है तो दैट इज द एडिटिव इनवर्स. -2 upon 8 इज अवर एडिटिव इनवर्स. क्लियर? याद ध्यान देना है, जहां पर भी माइनस होगा पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव करना है, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करना है. ओके, थर्ड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? वेरीफाई करना है हमको -(-x) = x. इसको वेरीफाई करना है. सबसे पहले x की वैल्यू की है 11/15 माइनस माइनस हमको क्या करना है? x की जगह पर 11/15 करना है = x. माइनस माइनस क्या होगा? लाइक ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस हो जाएगा. तो x की जगह पर हमको वैल्यू रखना है 11/15. तो 11/15 = 11/15. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, देयरफॉर वेरीफाई. हमको इस तरह वेरीफाई करना है, हर जगह पर हमको अलग अलग एक्स की वैल्यू रखना है. सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल, उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, रेसिप्रोकल -13. तो यहाँ -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हमेशा आपको डिजिट के नीचे डिनोमिनेटर में होता है तो 1 होता है, हमने पढ़ा है पहले भी. ओके, तो -13/1 है, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह. तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/1 is 1 -1/13. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज हम इसका रीजन भी देंगे हम. बिकॉज -13/1 into -1/13. 13 कैंसल, हमारा आया माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर 1 आ जाएगा. 1 आएगा तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. क्लियर? ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है? प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है. जो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके हिसाब से ये सबसे पहले क्या लिखा है? -1/5 into 1 = 1 into -5. -4/5 = -4/5. इसमें क्या करना है? क्या दिया है?
जैसे भी मल्टीप्लाई करें आगे सब क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो क्या ये प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन जो लास्ट में दिया है वो बराबर। ये जो वन जो है उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी कि उससे हम वन से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड वन इज क्या लिखना है, माइनस 13/17 एंड -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पर क्या दिया है, टेलर के मल्टीप्लाई टेलर के डिजिट में ये वाली आइडेंटिटी है इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब ये आइडेंटिटी हमने किसमें पढ़ी थी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जो था, ओके। तो इसका आंसर है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार चेक कर लेते हैं ना, राइट ना। सेकेंड नेक्स्ट वन इज -19/-29 × 29/-19 = 1। ये आइडेंटिटी हमने जो पढ़ा था अभी दूसरी बार, ये सीधा ये उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है। तो हम पढ़ेंगे इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, इससे मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी -17/16 का पावर -1। -1 जब भी पावर में आएगा तो याद रखना हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना। तो 6/13 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर -16 ऊपर कर देंगे और 7 नीचे कर देंगे क्योंकि रेसिप्रोकल करना है, ओके। 6 × 36 = 6 then 9 − 96 = 13 × 91 ये हमारा आंसर है, ओके। -96/91 आगे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, ओके। वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।